सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहाँ हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज। खबरें नहीं, खबरों का सटीक विश्लेषण, क्योंकि आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। नर्सिंग स्टूडेंट ने 500 मार्क्स वितरित कर मनाया अपना जन्मदिन। पिपलिया मंडी जिला मंदसौर। पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में मास्क पहनने, हाथों को साबुन से बार बार धोने की सलाह दी जा रही है। देखा जाए तो मास्क की उपलब्धता कम है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नागरिकों से घर पर ही मास्क तैयार कर उसका उपयोग करने की सलाह भी दी है, जिसके चलते कई लोगों ने घर पर ही मास्क तैयार कर जरूरतमंदों को वितरित भी किए। इसी कड़ी में मल्हारगढ़ तहसील के गाँव गुड़भेली बड़ी की बालिका एवं रामकथा प्रवक्ता सीता बहन जी ने भतीजी पद्मावती पूजा प्रजापति ने अपना जन्मदिन पर एक अनूठा उदाहरण पेश किया। पूजा ने 10 दिन के भीतर 500 मास्क तैयार किए तथा इन मास्क को अलग अलग पॉलिथीन में पैक कर अपने जन्म दिवस पर अयोध्या बस्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौकी स्टाफ पत्रकारगणों एवं जरूरतमंदों को वितरित भी किए। पूजा एक नर्सिंग स्टूडेंट भी है। मंदसौर से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। मैंने अपने जन्मदिन पर मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए। मैं इसी विभाग से हूँ, तो मैंने सोचा कि मैंने 20 मार्च को स्वास्थ्य विभाग में आवेदन दिया था कि मुझे भी कोविड-19 में सेवा देने के लिए मुझे अवसर प्रदान करें, लेकिन मुझे ये आदेश स्वास्थ्य विभाग से मुझे भी आदेश नहीं आया। तो मैंने सोचा कि अपने घर पर बैठ कर मैं कैसे भी अपने जो मैं लड़ाई लड़ रही हूँ के लिए मैं सेवा दे सकूँ, इसलिए मैंने अपने जन्मदिन इस प्रकार से लगभग मैंने 500 मास्क बनाए हैं और सबको दिए। पहना किस प्रकार मुझे आप किस प्रकार जी मैंने मोदी जी का आपने सुना ही होगा, मैंने औरंगजेबी इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में मास्क की ही सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मैंने सोचा कि मैं इस फील्ड से भी हूँ, तो अपन जो भी अभी सेवा दे रहे हैं उनकी हेल्प के लिए उनकी सबको जरूरत भी है, इस हिसाब से मैंने मास्क बनाने का निर्णय लिया। कितने मार्क्स बनाए और किन किन विभागों का आपने वितरित किए मार्क्स? मैंने समथिंग 500 मार्क्स बनाए हैं और अभी बना ही रही हूँ। मेरे मीडिया स्वास्थ्य विभाग पुलिस थाना प्रभारी होंगे और जो बस्ती है गरीब बस्ती है सबके मैंने लिख दिया, और क्वारंटाइन जो इलाका है वहाँ पे मैंने जो ड्यूटी दे रही थी उनको मैंने 100 दिए। जिनसे ये अपील करना चाहूंगी आपके लिए सबसे बड़ी टिप्स यही रहेगी कि आप अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। यदि आपके जो बहनें हैं छोटी मेरी छोटी मंदसौर नगर पालिका में सब्जी और फल बेचने वाले पास कार्ड सब्जी वालों को दिए जा रहे थे। जो 10 से 20 साल से सब्जी बेच रहे हैं उनको पास नहीं देने से नाराज हैं, क्योंकि पास कार्ड केवल नए लोगों को दिए गए, पुराने सब्जी वालों को नहीं दिए। जब इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी से सवाल किया तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। फिर हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी सविता प्रधान से फोन पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। कहा कि घर पर हूँ, अभी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। जहाँ अधिकारी भी तक सुनवाई नहीं कर रहे, ऐसे में ये सब्जी बेचने वाले भगवान के भरोसे पर हैं। मंदसौर से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। नहीं बेचने दे रहे पुलिस वाले, मामले को लेकर मैं नगर निगम आया हूँ, तो आप मेरी समस्या का समाधान करें। ये कार्ड का क्या कारण है? कार्ड तो 2010 में नगर निगम में पहले बनाए थे। तो मैं देखो साहब ये कार्ड मांग रहे, पुराना कार्ड भी लेकर साथ में लेकर घूम रहा हूँ, नगर पुलिस वाले परेशान नहीं कर रहे, तो वो कह रहे साहब ये पुराना कार्ड नहीं चलेगा, नया कार्ड बना के लगाओ। क्या नगर पालिका कार्ड बना के दे रही? बना के दे रही, आधे को दिए आधे को नहीं दिया था। आप लोगों को नहीं मिला? हमको नहीं मिलेगा। कहाँ रहते? हजारी रोड शहर। यहाँ नगर पालिका में क्यों आए आप लोग? ये हमारे कार्ड के बने हुए पुराने, और हमको व्यापार करने नहीं दे रहे, पुलिस वाला के सब परेशान कर दे, डंडे मार दे, नगर पालिका से कार्ड बनवा के लाओ, मेडिकल करवा के लाओ, अब कहाँ से लेके आए? अभी पूरा मार्केट बंद पड़ा हुआ है, क्या इधर बाहर कोई भी जाँच करवाने आओ तो बाहर पुलिस वाले परेशान। क्या नगर पालिका कार्ड बना के दे रही थी आपको? अरे अभी जो 20 दिन पहले जो जिनसे लिखवा के ले गए उनको दे दिए, और कल परसों के दिन हमारे नाम लिखे वापस नए के, तो अभी इनसे हमको वापस नगर पालिका उनको जवाबदारी दे के
इतने दिन में बना के इनको दे देंगे। कितना समय से काम करते हैं आप लोग? यह सब आपको मेरे को 20 साल हो गए। क्या काम करते हैं? ये फल फ्रूट का ठेला लगा। जवाब नहीं मिला। आज बता रहे थे इनके 3 तारीख को, ये 3 तारीख को देंगे लॉकडाउन। दिए ही नहीं, तब क्या करें? सब्जी बेचेंगे, घर बैठे रहेंगे, क्या करें?